फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्स एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्स प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 19 जून को वोट डाले जाएंगे, 22 जून को नतीजे आएंगे। आज आम आदमी पार्टी ने एक साथ कई नामों की घोषणा की है, जिसमें से रानिया में राजेश मलिक है, उनको आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। राज्य चुनाव आयोग ने भी उनको एक लेटर जारी करके आदेश दे दिए हैं कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको झाड़ू, जो उनका चुनाव निशान है, उस पर वो लड़ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो उम्मीदवार हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रमोद जी, पहली प्रतिक्रिया, आपको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिसने एक छोटे से कार्यकर्ता को इस काबिल समझा कि नगरपालिका के चेयरमैन पद के लिए उन्होंने टिकट दी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नगर। तो मलिक साहब, किस तरह के मुद्दे होंगे अगर रानिया की हम परिस्थितियों की हम बात करें, क्या बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्या बड़ी परिस्थितियाँ हैं, क्या कुछ सुविधाएँ हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, याशी कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो घोटाले किए हैं वो सब जानते हैं। एसडीएम की रिपोर्ट में ये बोला गया एसडीएम साहब ने कि जमकर घोटाला हुआ है रानिया नगर पालिका में। तो सीवरेज की समस्या है, लाइट की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, समस्या। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी का मेन रहा है पहले भी और अब भी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो सबसे सर्वोपरि रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो शहर को लेकर के आपका क्या विजन रहेगा? आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह का रानिया बनाना चाहते हैं? सर, अगर रानिया शहर के लोगों ने हमें, मुझे मौका दिया तो सबसे पहले तो ईमानदारी से काम होगा जी। जो लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे पता चला जो खंभे बिजली के लगाए गए हैं, 12-12 लाख का एक खंभा बताया जा रहा है, अभी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ईमानदारी से काम होगा, लोगों का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है, लोगों के हक में चलेगा। जो भी काम होगा ईमानदारी से, बिजली का होगा या पानी का, सीवरेज की समस्या है, नशे का भी मुद्दा, अभी 2 वार्ड 7 और 8 वार्ड में नशे का मुद्दा काफ़ी छाया हुआ, अल्टीमेटम भी दिया गया सचो साहब को, आज लास्ट तारीख थी। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं सर, और ईमानदारी से काम करेंगे। डेथ हो चुकी है नशे के कारण, कि युवा हैं उनकी मौत हुई है, इस चुनाव में बड़ा मुद्दा नशे का रहने वाला है, क्या लगता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, नशा पूरे अकेले रानिया का ही नहीं, पूरे हरियाणा में बुरा हाल हो चुका है नशे के। सिरसा जिला तो पंजाब से टच है, तो यहाँ नशा नॉर्मल सी बात, नशा होगा तो इसके लिए हमारा हाईकमान भी सीरियस है और हम जितने मजबूती से इसको उठा सकेंगे, इसके खिलाफ हम इसको उठाएंगे जी, नशे के मुद्दे को। तो इसके साथ साथ किस विजन के साथ आप लोगों से वोट मांगेंगे? आपको लोग वोट हैं वो क्यों चुने, क्यों वोट दें आप? हम दिल्ली और पंजाब के काम के नाम पर वोट मांगे। दिल्ली ने जो बिजली का सस्ती की, पानी का समस्या को हल किया, रोजगार की समस्या जो वो हल हुई, तो हम उसके बाद पंजाब में जो काम हो रहे हैं उस दिल्ली और पंजाब के नाम पे वोट मांगे, हम विकास के नाम पे वोट मांगे। कि अगर आपको मौका मिलता है तो रानिया को लेकर के, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, कहीं ना कहीं बड़ा सुधार जो है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से काम होगा, लोगों का हक में काम होगा। वो जो मान साहब कहते हैं ना, जो अगर इन्होंने हरा रंग का पेन दिया लोगों ने, तो लोगों के हक में ही चलेगा जी। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ उम्मीदवार राजेश मलिक। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। रानिया नगर पालिका में फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, चाहे हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, चाहे जननायक जनता पार्टी की, अभी उन पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो यहाँ से विधायक हैं रानिया से, और वो भी अपना जो समर्थक उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारेंगे। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या जननायक जनता पार्टी के नेता हैं वो उस उम्मीदवार का समर्थन करते हैं या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम उस राय पे भी डिस्कस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।